भाई बहन के त्योहार भैया दूज पर आज सुबह से ही मुरादाबाद की जिला जेल पर बहनों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। ये बहनें जिला जेल में अपने भाइयों को तिलक करने पहुंची थीं। सैकड़ों की संख्या में मौजूद बहनें एक साथ अपने अपने भाइयों को तिलक करने के लिए जेल के बाहर पहुंची और अपनी बारी का इंतजार किया। इस बार जेल प्रशासन की ओर से परिवार के लोगों के लिए भी उचित व्यवस्था की गई, जिसे देखकर बहनों में भी खुशी नजर आई। दरअसल कोविड काल के बाद से ये पहला अवसर है जब जेल प्रशासन ने भैया दूज पर बहनों के लिए सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मनाने की तैयारी की है। इसके लिए जेल के बाहर बकायदा टेंट लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था की है और उनके लिए पानी और बिस्किट की भी व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा की गई। जेल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि जब तक सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक नहीं कर लेंगी, उनके लिए जेल का गेट बंद नहीं किया जाएगा। देखिए, जिला कारागार मुरादाबाद तीन जिलों की जेल है। यहाँ पर तीन जिलों संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के बंदी रहते हैं। इस वजह से आज हमें पहले से ही पता था कि भैया दूज के अवसर पर बहुत सी बहनें आएंगी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 2500 बहनें अपने भाइयों को तिलक करने के लिए आएंगी। उसी के अनुसार अरेंजमेंट किए गए हैं। बाहर टेंट लगाया गया है, कुर्सियाँ बहनों को बैठने के लिए, जो बच्चे साथ में आते हैं उनके जलपान की व्यवस्था भी की गई है। बहनें जो भूखी आई हैं सुबह से चली, उनके जलपान की भी व्यवस्था की गई है। यही व्यवस्था अंदर भी की गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बहन निराश होकर ना जाए। जो मिष्ठान वो ला रही हैं अपने भाइयों को देने के लिए, उसको उन्हीं को चेक कराकर, उन्हीं को खिलाकर, रैंडमली चेक कराकर भाइयों को दिलवाया जा रहा है। कुछ गरीब बहनें भी आ रही हैं, तो माननीय कारागार मंत्री जी श्री धर्मवीर प्रजापति जी के आदेश के अनुसार कारागार प्रशासन के द्वारा उनको उनके भाइयों को मिष्ठान खिलाने के लिए व्यवस्था की गई है और तिलक और रोली भी जो नहीं ला रही बहनें उपलब्ध कराए गए। हमारा प्रयास ये है कि कोई भी बहन निराश ना हो तथा बंदियों को भी ये न लगे कि उनकी बहन यहाँ पर जो मुलाकात के लिए आई, रक्षा तिलक करने के लिए आई, उसे कोई कष्ट हुआ। ये प्रयास है। लास्ट बैच हम ऐसे पुरुष बंदियों का भी कराएंगे, ऐसे